अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। साथियों, उज्जैन में एक बेटे के साथ बदसलूकी होती है और उसी का पक्ष रखने मैं एसपी कार्यालय जाती हूँ। बाहर एक जो घटना घटित होती है उसका कोई भी साथ नहीं देता है और ना ही समर्थन करता है, और कानून अपने दायरे में रहकर काम करता है, कार्यवाही की जाती है और उस बोलने वाले शख्स को जेल भेज दिया जाता है। उसी रात भाजपा और विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी कार्यकर्ता इकट्ठा होते हैं टॉवर पर और एक नारा लगाते हैं। ये संस्कृति की बात करते हैं, धर्म की रक्षा की बात करते हैं, ये स्वयं को योद्धा बताते हैं, लेकिन जब मोक्षदायिनी शिप्रा में गंदे नालों का पानी मिलता है तो खामोश हो जाते हैं। और दूसरी तरफ एक महिला जिसका कोई कसूर नहीं होता है, उससे नूरी खान की क्या पहचान करके उसके आगे के शब्द आप लोग सुन चुके हैं जो कि मैं बता नहीं सकती हूँ। मैं यहाँ बाबा अंबेडकर साहब की प्रतिमा के नीचे खड़ी हूँ। बहुत तेज़ बारिश उज्जैन में हो रही है। भारत का संविधान मेरे हाथ में है। ना तो मैं यहाँ हिंदू मुसलमान की लड़ाई लड़ने आई हूँ, ना ही मैं शक्ति प्रदर्शन करने आई हूँ। इस संविधान में रखकर मैं मान रही हूँ जो अपने अधिकारों के लिए खुद लड़ सकती है। जो नारे लगाए गए हैं उसके बाद क्या मैं अपने परिवार के बीच और इस शहर में किस नज़रों के साथ घूमूंगी, मैं गई के बीच में खड़ी हूँ। जो नारे लगाए गए हैं, मैं शिवराज सिंह चौहान की सरकार से पूछना चाहती हूँ, क्या मैं प्रदेश की लाडली बहना नहीं हूँ? अगर मैं प्रदेश की लाडली बहना हूँ तो जो नारे लगाए गए हैं उस वीडियो के माध्यम से उन लोगों की शिनाख्त की जाए और उन पर कार्यवाही की जाए, क्योंकि इस देश की जो संस्कृति है वो महिला सम्मान की है, बात हिंदू नहीं है। जब तक कि मुझे ये सरकार पुलिस प्रशासन न्याय नहीं दे देता है, मैं इस बारिश में भी इस धरने पर बैठी रहूँगी। धन्यवाद। जय हिंद। और क्या कर रहे हैं आप? देखिए, उज्जैन की एक पढ़ी लिखी शिक्षित बेटी की बात करने हम एसपी कार्यालय पहुंचे थे। डेलीगेशन अंदर बात कर रहा था, बाहर एक घटना घटित होती है। जिस घटना की सूचना मिलती ही मैं भी और उस वक्त मौजूद सारे लोग और पूरा शहर उस घटना का पुरजोर विरोध करता है और अपराधी को कार्रवाई करते जेल के भीतर भी डाल दिया जाता है। लेकिन लाडली बहना की बात करने वाली सरकार के नेता टॉवर पर एकत्रित होते हैं और कहते हैं कि नूरी खान की क्या पहचान, उसके आगे गाली का उपयोग किया जाता है। मेरी यही पहचान है कि जब शिप्रा के अंदर गंदे जल मिल रहे होते हैं तो ये खामोश होते हैं और मैं अपनी जान से खेलकर मां शिप्रा की लड़ाई लड़ रही होती। कोरोना के समय जब ये लोग घर बैठे होते हैं योद्धा, उस वक्त मैं अपना रोजा तोड़ के अपना प्लाज्मा मनोहर सिंह को देकर उसकी जान बचाती हूँ। मुझसे मेरा सवाल पूछा गया कि मैं कौन हूँ। यहाँ पर जो बहनें मेरे साथ आई हैं जिनकी मांग में सिंदूर और माथे पर बिंदी नजर आ रही है, ये मेरी पहचान है। मैं चाहती हूँ कि इस शहर में अमन शांति बनी रहे और मैं एक माँ हूँ, मैं एक बेटी हूँ। शिवराज सिंह चौहान जी से पूछने आई हूँ, क्या आपकी पार्टी के कार्यकर्ता बयान देते हैं और उस बयान से आप सहमत हैं? या तो आप बताएं कि आप सहमत हैं, नरोत्तम मिश्रा जी बताएं कि सहमत हैं। अगर सहमत नहीं है तो तत्काल उस वीडियो में जो नारेबाजी हो रही है उनकी शिनाख्त करके उनकी गिरफ्तारी की जाए, अन्यथा मेरे आखिरी सांस तक, क्योंकि लड़ाई मेरे आत्मसम्मान की है और मेरे हाथ में जो पुस्तक है भारत का संविधान, मैं अपने आप को बहुत मजबूत महसूस कर रही हूँ। मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, बैठी रहूँ। क्या आपका किस तरह से आप एक महिला होके आपके भावनाओं के भी ठेस पहुँची है, तो आप कब तक रहेगा ये धरना? जब तक कार्यवाही नहीं हो जाती मुझे कोई आश्वासन नहीं चाहिए, मुझे निर्णय चाहिए और निर्णय ऐसा कि उनकी शिनाख्त कर उनको गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि इस शहर में मेरे बच्चे भी इसी शहर में रहते हैं। मैं माँ हूँ, मैं अपने बच्चों के सामने इन गालियों के हिसाब से कैसे जाऊँ? मैं एक नेता हूँ, 25 साल मैंने अपनी जिंदगी संगठन के लिए और समाज के लिए और शहर के लिए लगाई है, तो मुझे ये हिंदू या मुसलमान की लड़ाई नहीं, ये मेरे आत्मसम्मान की और एक महिला की लड़ाई है। और लाडली बहना पर सवाल या निशान जो उन्हीं के कार्यकर्ताओं ने खड़ा किया है, मैं उज्जैन के बीजेपी के सारे नेताओं से पूछना चाहती हूँ, क्या वो इस बयान से सहमत है जो टिप्पणियाँ एक महिला को लेकर की गई है उनके विरोध प्रदर्शन के दौरान? अगर सहमत नहीं है तो भूमिका अदा करें, उनकी गिरफ्तारी करवाएं।